Here we are going to discuss question number 5 and question number 6 from exercise 1.1. So our question number 5, name the property under multiplication used in each of the following. हमें तीन questions दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इस part में कौन सी property use की गई है, ठीक है? So very first part, you can see, हम कोई given rational number है, उसे 1 से multiply कर रहे हैं, या 1 को गिवन रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें वही रैशनल नंबर मिल रहा है. ये प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपको याद हो. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. देखिए, मल्टीप्लाई किया और सेम नंबर मिला, मल्टीप्लाई किया आइडेंटिकल नंबर मिला. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, तो जस्ट आपको सोल्यूशन देना है यहाँ पे. हेयर मल्टीप्लिकेटिव identity, multiplicative identity property is used, property is used. ठीक है, now solution 2, here you can see minus 13 by 17 multiply by minus 2 by 7 is equal to minus 2 by 7 multiply by minus 13 upon 17. ठीक है, A cross B is equal to B cross A. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारी प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, माइनस का 19 अपॉन 29 मल्टीप्लाई बाय 29 अपॉन 19. क्या हो रहा है यहाँ पे? गिवन रेशनल नंबर अपने रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर कितना मिल रहा है? 1. सो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6 बाय 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16. हमें गिवन नंबर 6 बाय 13 को -17 बाय 16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो -67 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल पता होना चाहिए. लेट्स डू इट. रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16 इज, क्या होगा? इसको जस्ट उल्टा कर दो, माइनस साइन आगे रहेगा ही रहेगा, 16 अपॉन 7. क्यों? क्योंकि जब हम -7 अपॉन 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1. राइट, आप रीजन दे सकते हैं, बिकॉज -7 बाय 16 मल्टीप्लाई बाय -16 अपॉन 7 विल गिव अस 1. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि मल्टीप्लाई 6 बाय 13 को मल्टीप्लाई करें रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं माइनस का 16 अपॉन 7. तो लेट्स टेक इट, माइनस साइन आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 16 6 जा 96 अपॉन 13 7 जा 9.